आप इतने छोटे बच्चे को पुलिस स्टेशन कैसे लेकर आ सकते? देखिए कितना डर गया है। ओए, हमें मस्ती का क्या करना चाहिए? अपने बच्चे को देखो, वो से भागा था। पुलिस ने लगा दी आदित्य की क्लास। अक्षित को फाइनली मिले उसके पापा। सीरियल मंगल लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक हो चला है। वेल, आप देखेंगे कि कैसे मंगल के स्कूल छोड़ के जाने के बाद अक्षित स्कूल के अंदर ना जाकर बाहर ही इंतजार करने लगा था, क्योंकि उसे अपने पापा से मिलना था। इसी दौरान पुलिस वालों को लगा कि बच्चा मिसिंग हो गया है। बस फिर क्या था, पुलिस इंस्पेक्टर ने बच्चे को उठाकर पुलिस स्टेशन लाना ही बेहतर समझा। अब पुलिस स्टेशन में आकर अक्षित बुरी तरह से रोने लगा है। अक्षित से पूछकर उसे पेरेंट्स को कॉन्टेक्ट किया गया। पहले फोन मंगल को लगाया गया। मंगल का फोन बिजी आने पर आदित्य को फोन किया गया और आदित्य दौड़ते भागते डरा सहमा पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां पर जब उसने पुलिस वालों को सवाल किया कि आखिर आप मेरे बच्चे को पुलिस स्टेशन कैसे ला सकते हो, देखिए वो कितना डर गया है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर उल्टा उसे ही डांट फटकार देते हैं कि एक तो तुम लोग बच्चे का ख्याल नहीं रखते हो, ऊपर से हम पर आवाज ऊंची करके बात कर रहे हो। बच्चे को संभाल कर खरी खोटी सुनाने के बाद आदित्य के हाथों अक्षित को सौंप देता है पुलिस इंस्पेक्टर। आदित्य अक्षित को लेकर जैसे ही निकलता है, पुलिस स्टेशन मंगल भी पहुंच जाती है। तब पुलिस ऑफिसर मंगल को भी सुनाते हुए कहता है कि जब नहीं था तो बच्चे के पास कोई भी गार्डियन नहीं था, अब है तो एक साथ दोनों आ गए हैं। अक्षित को उसके पिता ले गए हैं। ये सुनकर मंगल भी वहां से चली जाती है। स्वागत है सर आपका टेली चेकअप पर। थैंक यू। देखा जा रहा है कि आज आप पुलिस स्टेशन पहुंच गए और आपको डांट भी पड़ रही पुलिस से। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि अब मैं मंगल के साथ, मंगल नहीं सौम्या के साथ कहीं और रह रहा हूँ। तो मंगल आज अक्षत को स्कूल छोड़ कर गई है, बट अक्षत स्कूल से बाहर निकल के आकर रास्ते में घूम रहा है। वो एक्चुअली अपने पापा को ढूंढ रहा है, पर उनके पापा उसे मिल नहीं रहे हैं। और मिल जाते हैं उन्हें पुलिस, और पुलिस उन्हें उठाकर वहाँ से एक पुलिस स्टेशन ले आती है। और फिर वो मंगल को कॉल कर रहे हैं पुलिस ताकि उसकी मम्मी आ जाए, पर मंगल फ़ोन नहीं उठा पा रही। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मैं जैसे ही फ़ोन पर मुझे पता चला कि अक्षत पुलिस स्टेशन में, भाग भाग कर पुलिस स्टेशन आया और आते ही देखा कि अक्षत बहुत रो रहा है। तो मैं पुलिस से ये कहता हूँ कि इतने छोटे बच्चे को आप पुलिस स्टेशन क्यों लेकर आए हो? तो पुलिस मुझे चिल्लाते हैं कि आप अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख पा रहे हो, वो रास्ते में ऐसे ही घूम रहा है, इसलिए मुझे पुलिस से डांट पड़ रही है। सी, व्हेन आई सी एट द टोटैलिटी, ग्रे तो हमेशा से था, बट मैंने कभी नहीं माना ये ग्रे है। मुझे लगता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ सौम्या, और मैं अपने प्यार के लिए लड़ रहा हूँ। मैं खुश नहीं हूँ एक रिश्ते में, एंड हर इंसान को खुश रहने का पूरा हक है। तो मेरे लिए बिल्कुल भी ग्रे नहीं है। आई फील आई एम राइट। हर इंसान को ये लगता है वो जिस पोजीशन पे वहाँ से वो राइट है। अगर उसे ये लगने लगा कि वो गलत है तो उससे साधु संत आदमी कोई नहीं होगा। तो आई डोंट फील आई एम ग्रे। एंड जब मैं शो देखता हूँ, रेटिंग्स देखता हूँ, जिस तरह हमारे शो को प्यार मिल रहा है, वी आर नंबर वन ऑन कलर्स एंड एवरी वीक हम ऊपर ही जा रहे हैं, एंड जिस तरह आजकल शोज़ बंद हो रहे हैं वहाँ हमारा शो इतना पॉपुलर हुआ है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। एंड ऑफ कोर्स हर शो में ड्रामा क्रिएट करने के लिए एक थोड़ा ग्रे नेगेटिव फैक्टर तो होना ही चाहिए। सो आई एम वेरी हैप्पी विद द वे दिस शो हैज़ शेप्ड अप फॉर मी। मैं बहुत खुश हूँ अपने इस ट्रैक से। इनफैक्ट मज़ा ही आता है, बिकॉज इससे पहले मैंने सिर्फ स्वीट बॉय रोल्स प्ले किए, उसमें इतना मज़ा नहीं आया। आज तक मुझे एज एन एक्टर जितना मुझे अप्रिसिएशन मिला है फ्रॉम द इंडस्ट्री पीपल, अपने बाकी प्रोड्यूसर्स से, बाकी फ्रेंड्स से, वो मुझे आज तक किसी शो में नहीं मिला। सो एज एन एक्टर दिस इज़ वेरी गुड फॉर मी। वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक सर। और भी आपके साइड और शेड्स देखने मिले, हम यही होप कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से शो का ट्रैक जा रहा है, मुझे लग रहा है बहुत जल्द वो भी सीन आएगा जहाँ एक कंफ्यूज आदित्य देखने मिलेगा हमें, जो ना ग्रे होगा ना पॉजिटिव। डेफिनेटली बहुत सारे शेड्स देखने वाले हैं आप। इनफैक्ट मैं बोलता हूँ अभी तो शो शुरू हुआ है, अभी हमें पता चला है आगे का ट्रैक हम बता नहीं। सीरियल मंगल लक्ष्मी से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।